नमस्कार। आज पूरा विश्व में कोरोना वायरस की महामारी चली रही है अने खास एमा बचवा माटे आज कोई ज 100% श्योर वेक्सिन शोधाई नहीं त्यारे आपणे ए वायरस थी कई रीते बची सकी ए वायरस थी बचवाना उपायों अने ए वायरस ने बगड़वाना उपायों विषे आजे जाणीशुं। तो खास मित्रों आ वायरस थी बचवा माटे रोग प्रतिकारक शक्ति कई रीते वधारवी शुं करवुं एना माटे माहिती मळशे। सामान्य रीते आपणे जोईए छीए के आ रोग लो इम्युनिटी वाळा लोकोने भरखी जाय छे। जे लोकोने सामान्य सर्दी होय खांसी होय इम्युनिटी लो होवाथी वारंवार बीमार पड़ता होय छे तेवा माणसोने आ रोग पोतानो शिकार बनावे छे। गंदकी होय तेओ पण लो इम्युनिटी वाळा सहन करी शकता नथी। तो मित्रों रोग प्रतिकारक शक्ति कई रीते वधारवी तो आयुर्वेदना विशेष प्रकारनी माहितीઓ आपणने मळे छे। वात पित्त कफ एना इनबेलेंस थी अनेक बीमारीओ आवती होय छे। तो मित्रों आयुर्वेद एक आपणा माटे अत्यंत जरूरी छे अने एमाय कोरोना थी बचवा माटे प्राणायाम करवा जोईए। इम्युनिटी बूस्ट करवा माटे भस्त्रिका कपालभाती अनुलोम विलोम सवारे वेला उठीने नियमित एक कलाक करवा जोईए प्राणायाम अने त्यार पछी तमे 5 ग्राम हल्दी हळदर अने 5 ग्राम आदू आना उकाळा दिवस में 5-7 वक्त पीवा जोईए। विटामिन सी पण लेवू जोईए। वधारे में वधारे प्रवाही पीवू जोईए। गरम पानी पीवू जोईए अने अक्सिर इलाज गिलोय गिलोय मित्रों 100% कारगर निवडशे। त्यारबाद काली मिर्च मरीनो पण तमे उकाळो पी सको छो। ए रामबाण इलाज छे कोईपण वायरस ने खतम करवानो। तो रोग प्रतिकारक शक्ति वधारवा माटे शुं शुं खाई शकाय तो मित्रों पत्तेदार सब्जिया यानी शाकभाजी जेमा पाना होय तेमा खास फोलिक एसिड होय छे अने ते कोशिकाओ में मजबूत करे छे। फाइबर पण होय छे ते आपणा शरीर ने खूब ज उपयोगी छे संक्रमण अने बीमारीओ थी बचावे छे। दालचीनी ए पण एक अक्सिर इलाज छे। लसण ए पण रोग प्रतिकारक शक्ति वधारवा माटे उपयोगी छे। मशरूम पण तमे खाई सको छो। बादाम पण तमे सेवन करी सको छो। आ रीते वधारे में वधारे प्रवाही लेवू जोईए गरम पाणी लेवू जोईए उकाळा लेवा जोईए अने मेक्सिमम वेजिटेरियन सब्जियां पत्तेदार वो सब खाना चाहिए। और डिप्रेशन के लिए ब्राह्मिक प्राणायाम डिप्रेशन माटे खास ब्राह्मिक प्राणायाम पण आपणे करवा जोईए अने आ रीते आपणे आपणी इम्युनिटी बूस्ट करी शकीशुं। अने खास मेडिटेशन पर आपणे वधारे भार मूकवो पड़शे अने कोरोनानी महामारीमां खास हळदर આપણા રસોડામાં જે વપરાઈ રહ્યા છે તે જ આપણને ઉપયોગી છે અને ખાસ હળવી કસરતો પણ આપણે કરવી જોઈએ અને આપણે સારી રીતે પોતાની ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરી શકીશું જો આ પ્રયોગ કરશું તો। જય હિન્દ।